हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो सिंक का वाटर टैप आता है, आप सभी को पता होगा। अगर सिंक के बारे में आप सभी को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। गाइस, सिंक जो होता है, जो स्टील का होता है, आयरन का भी आता है, उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की जो पॉलिश होती है उसको किया जाता है, जिससे कि जो उसमें मुरझा लगता है, जो रस्ट लगता है, वो बहुत कम लगने का जो चांस होता है। जितना बढ़िया उसमें स्टील पॉलिश होगा उतने ही कम चांस होंगे उसमें रस्ट लगने के लिए। तो ये सब जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं जो उसमें टैप लगता है उसका क्या हुआ, मतलब कितने प्राइस का आता है, कैसा दिखता है, क्या है। मैं अभी इधर प्लास्टिक के ही ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो हमारी आई थी क्वेराई कंपनी की थी, सेम कंपनी की थी, जिसके बारे में आज फिर हम बात करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कंपनी के बारे में, फिलहाल कंपनी के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है, उसका भी जो वीडियो है आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले सिंक वाली वीडियो देख लें, उसके बाद वाटर वाली, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था वाटर टैप वाला सेम कंपनी के ऊपर, उसको देखिएगा। क्योंकि अगर आपको सिंक के बारे में अच्छे से पता चल जाता है, प्राइस पता चल जाता है, तो उसके बाद सिंक वाटर टैप के बारे में जानने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और फिर वाटर टैप के बारे में तो आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत और जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिक सिंक वाटर टैप के बारे में जानेंगे। सेम कंपनी का रहेगा जिसका नाम है क्वेरा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और कुछ क्लिप्स तो मैं चलाता रहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, आइडिया हो जाए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो पे। तो देख सो गाइस, देखो वाटर टैप बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी में आते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को उस वाली वीडियो में बताया था कि कंसील्ड कॉक आता है, एंगल कॉक आता है, और भी कुछ बहुत सारे हैं, विप कैप है, लॉन्ग टैप है, बहुत सारे सिंक कैप और सिंक कॉक है, बहुत सारे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो पे हम लोग जानते हैं सिंक वाटर टैप के बारे में। सिंक वाटर टैप में क्या होता है, देखो जो डिज़ाइन होता है वो तो आप वीडियोस में देख ही लेते हो, जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख लो, पहले वीडियोस देख लो, अच्छे से देख लो, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि जो उसका डिज़ाइन होता है वो कैसे होता है। बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है सिंक वाटर टैप से और वॉश बेसिन वाटर टैप से। क्यों? क्योंकि देखो जो वॉश बेसिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो अगर आप थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो वो टूट सकता है। लेकिन सिंक में ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप उसको एक बार पटकते भी हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दबाव है वो आ सकता है, बाकी उसमें कुछ टूटने फूटने वाला डर नहीं है। और जो वाटर टैप के हिसाब से जो डिज़ाइन चेंज होता है वो क्या होता है कि जो सिंक में टैप लगता है, देखो पहले मैं आपको वॉश बेसिन का बताता हूँ, जो वॉश बेसिन में टैप लगता है वो कुछ ऐसे इस प्रकार का लगता है, जो सीधा लगता है। लेकिन जो सिंक टैप पे लगता है, सिंक में जो वाटर टैप लगता है वो ऐसे लगता है। अगर आपके घर में सिंक लगा होगा तो एक बार गौर करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आपको मैं स्क्रीन पे वॉश बेसिन का वाटर टैप दिखा देता हूँ, देख लो, ऐसे कुछ लगता है वॉश बेसिन में। और सिंक का तो आपको पता ही है, तो सिंक का वीडियो वाले खाना कोई बनता नहीं है, वैसे देख लीजिए आप उसका भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं जिस कंपनी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, क्या उसका जो डिज़ाइन है, जो क्वालिटी है, वो बढ़िया है भी या नहीं है। देखो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जो क्वेरा कंपनी का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा फिनिशेबल है। मतलब देखो इसमें एक क्या होता है कि अगर आप एक वाटर टैप लेते हो प्लास्टिक का ही मैं बात कर रहा हूँ, स्टील के बारे में मत सोचिएगा, उसके ऊपर कभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो अगर आप प्लास्टिक का एक थोड़ा सा लो क्वालिटी का लेते हो और क्वेरा कंपनी का लेते हो, तो डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इस क्वेरा की जो फिनिशिंग जो रहेगी वो कंपेयर टू इस वाले से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में अधिकतर लोग कोई भी प्रोडक्ट प्राइस देख कर ही लेते हैं, अगर प्राइस में लिटिल डिफरेंस आ जाता है तो वो उससे हट जाते हैं, सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, उसके बढ़िया यही लगवा लेते हैं, पैसा भी बच जाएगा और कौन सा हमें इसको कहीं फैशन करना है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये जो हमारा जो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो हम साल दो साल दस साल में एक ही बार दो ही बार लगवाते हैं, बस इससे ज़्यादा तो नहीं लगवाते हैं। आप ही कमेंट करके नीचे बताना मुझे कि आप साल में या कितने टाइम पर आप अपने घर का वाटर टैप, टैंक, मोटर ये सब बदलते हो।
ज़्यादातर जो कमेंट आएगा मुझे पता है वो ऐसे आएगा, वो लिखेंगे कि जब मेरा ख़राब होता है तभी मैं बदलता हूँ। वो कोई ऐसे फालतू का खर्चा नहीं करते कि आज चलो ये पुराना हो गया नया डिज़ाइन का आ गया इसको बदल के फेंक देते हैं और दूसरा लेके आते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। क्योंकि कपड़े में और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कपड़े में जैसे कोई नया डिज़ाइन आता है तो आप जाकर तुरंत ले आते हैं, आप सोचते हैं ये भी पहन लूँगा वो भी पहन लूँगा, लेकिन वाटर टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर उसको हटा दिया तो वो आपके लिए बेकार है, या तो आप उसको फेंक दो या तो फिर किसी और को दे दो। तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी आप इसमें लगवाते हो, वाटर टैप से लेकर वाटर टैंक से लेकर पाइप, जो भी आप लगवाते हो, जो भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ आपको बताता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आप लोग करा करिए। और कंपनी प्राइस ये सब पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैगवार की तरफ चले जाओ, कजारिया की तरफ चले जाओ, जॉनसन बाथरूम की तरफ चले जाओ, 1,000, 2,000, 10,000 का वाटर टैप ही खरीदो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सस्ते में टू कॉपी में अच्छा क्वालिटी लगवाओ, जिसका आपको गारंटी भी मिल जाए, क्वालिटी का जो फिनिशिंग है वो भी रहे और कम प्राइस पर भी मिल जाए। जैसे कि प्लास्टिक के मैं क्वेरा के बारे में बता रहा हूँ, अब क्वेरा के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि ये है और इससे पहले ली वीडियो है। ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ना कंपनी की तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि आप सभी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। उस चैनल को कर दो सपोर्ट, जिससे कभी भविष्य में स्पॉन्सरशिप आए तो हमें भी कहने का मौका मिले कि इस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई दिस। तो प्राइस की बात करते हैं तो यार देखो, सिंक वाटर टैप का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, जैसा कि वाटर टैप वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी आप अगर क्वेरा का लेते हो तो आपको 600 से लेके 1,000 तक मिल जाता है सिंक वाटर टैप, और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। हाँ, आप लोग कमेंट करोगे कि भाई प्लास्टिक में 150, 200 या 250 रुपये में भी हमें सिंक वाटर टैप मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता दूँ, जो फिनिशिंग है, जो डिज़ाइन है, जो ब्रांडिंग है, वो आपको इस कंपनी पे ही देखने को मिलेगी। मैंने आपको बता दिया 600 से 1,000, तो ज़रूरी नहीं है ये, मैं आपको मार्जिन लेके बता रहा हूँ कि आपका कोई भी है, मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि कस्टमर जो ऑर्डर है उसके माइंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लगभग इतना मार्जिन लेके आपको इतना देगा। वरना तो अगर आप अच्छे कस्टमर के पास, अच्छे दुकान पे जाते हो, आपको जान पहचान का है या फिर अच्छा दुकानदार है, तो वो आपको 400, 450 तक दे देगा। वाटर टैप में क्या है ना कि आप लोग इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते नहीं हो, और जो दुकानदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे मार्जिन ले लेते हैं विदाउट योर नॉलेज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, क्योंकि ऐसी वीडियोस जब आप लोग देखोगे आपको नॉलेज मिलेगी। मुझे पता है आप इसको मतलब एक ही बार लगवाते हो तो वीडियोस तो ज़्यादा बार बार देखोगे नहीं, लेकिन आपको अगर एक बार नॉलेज हो जाएगा तो आप दूसरे को भी बता पाओगे। अगर आपका कोई शॉप है, आप मेरे रिलेटेड आपका कोई दुकान है, तो आपको यहाँ से भी नॉलेज मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसके बारे में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल बताया है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल मैंने वाटर टैप वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया है, तो बेफालतू वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।